अक्टूबर को अभी एलएचडीसी फोर्थ एलएचडीसी कारगिल का जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, तो हम एज ए ओपोजिशन हम सब सीएसी और बाकी उनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं। और ये फॉर्मेशन कैसे हुआ कारगिल के आम जानते हैं कि ये एक अलायंस बना है अभी नया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, जो अभी कारगिल के इतिहास में पहली बार हुआ है। कभी कारगिल के इतिहास में कारगिल और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कभी अलायंस नहीं बना। वो क्यों नहीं बना वो कारगिल के आम इसको सवाल करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये अभी जो अलायंस बना है वो बीजेपी का एक सीट जीतने का उसका श्रेय जाता है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के सरकार चला के कारगिल के आम को जो खिदमत ये लोग करने वाले हैं जो बता रहे हैं अगर कर पाए तो हम इसको मुबारकबाद समझते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक जीतने से नेशनल को जो दो राइवल पार्टी होते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये दो राइवल पार्टी एक हो के कारगिल के आम का खिदमत करने जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, बीजेपी के लिए एक अचीवमेंट समझता हूँ मैं अपने हिसाब से। तो अभी तक उनका अलायंस ऑफ एजेंडा आप प्रेस वालों को भी पता है, आप लोगों को भी मालूम नहीं, आप लोगों को इसके बारे में पूछना चाहिए कि अलायंस ऑफ एजेंडा क्या है। अभी सुनने में आता है कि इस अलायंस में इंडिपेंडेंट भी शामिल है, तो इसको कैसे शेयर दिया जाए, सबको कैसे इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, द्रास से लेके शुरू से लेके हमारा शगर चिकतन से लेके सोच से लेके कारगिल टाउन से जांसकर से कैसे शेयर दिया जा रहा है, वो भी आप लोग प्रेस वाले पूछना चाहिए। बाकी हम एज ए ओपोजिशन लीडर अभी बैठे हैं, हम सब काउंसलर्स जो मेरे साथ हैं और हम अपना टीम भी एज ए ओपोजिशन टीम हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी सबसे इंडिपेंडेंट से भी अपील करेंगे और पीडीपी वालों से भी अपील करेंगे, ये हमारे कारगिल के आम के कारगिल के नौजवान को जो रोज़गार मिलना चाहिए, जो हक हुकूक मिलना चाहिए, उसके लिए हम ओपोजिशन हाउस में करेंगे। रूलिंग पार्टी को हम हर बार जब वो अगर कारगिल का हुकूक लाने में हक लाने में अगर नाकाम रहा तो हम सब काउंसलर्स जो अपोजिशन में बैठे हैं वो हम हाउस में बड़े ऊंचे जोरदार से उनका अपोजिशन करेंगे। हम इसमें किसी पर्सनल आदमी को या सीएसी साहब को या किसी को टारगेट नहीं कर रहे। हाँ, सीएसी साहब बहुत रिजनेबल आदमी चुना है, लेकिन पार्टी के एंगल से जब देखा जाता है, पार्टी आइडियोलॉजी को देखा जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस बनाया वो एक तरफ से कारगिल के आम को एक धोखा है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर सबसे बड़ा मैंडेट मिला तो कारगिल के आम ने कांग्रेस के खिलाफ वो मैंडेट दिया था। कांग्रेस को अगर सेकंड मैंडेट मिला है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोगों ने उनको वोट दिया था, मैंडेट दिया था। लेकिन अब ये दोनों एक साथ मिलने से कुछ हद तक कारगिल के आम का आंखों में धूल झोंकने बराबर मुझे लग रहा है। क्या वजूहत रही कि बीजेपी की भरपूर कोशिश नाकाम हुआ? नहीं, हमारा कोई कोशिश नहीं है, हमारे पास कोशिश था बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, एलएचडीसी काउंसिल फॉर्मेशन के लिए। नहीं, हमारा सुनिए, हमारा कोशिश नहीं था, हमारा नंबर भी नहीं था। मैं अकेला जीता हूँ, अकेले से तो सरकार बनाया नहीं जा सकता। आप नहीं, उनका हमें आया था, लेकिन हमने बोला एजेंडा सेट होगा, डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, द्रास से लेके शुरू से लेके पूरा कारगिल के एक एक खत्ते कोने तक एजेंडा सेट होगा, तभी हम उनको साथ दे सकते हैं। हम सिर्फ साथ दे सकते हैं, किसी को हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते, वो तो आप सबको बाखूबी आप लोगों को पता है। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल कारगिल टुडे, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस, लाइक अस ऑन फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। कीप वॉचिंग कारगिल टुडे, कीप एंजॉयिंग कारगिल टुडे, द ओनली वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख।